नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल्प्राजोलाम टैबलेट के बारे में। अल्प्राजोलाम एक बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की दवाई है जो शॉर्ट लास्टिंग होती है। शॉर्ट लास्टिंग का मतलब होता है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है काफी कम होता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है ये 1 या 2 घंटे तक चलता है। और जब नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल्प्राजोलाम टैबलेट के बारे में। अल्प्राजोलाम एक बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की दवाई है जो छोटी सी होती है और पिंक कलर की जनरली बनाई जाती है। इसके डोजेस होते हैं 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg या 2 mg तक हो सकते हैं। इसके दो फॉर्मेशन आते हैं, एक होता है नॉर्मल बेंजोडाइजेपिन, एक होता है नॉर्मल अल्प्राजोलाम टैबलेट और दूसरी होता है एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज का मतलब होता है जिसका एक्शन थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट होता है और काफी लंबे समय तक चलता है। तो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन ज्यादा कॉमन नहीं होता है, नॉर्मल फॉर्मुलेशन से ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्योंकि ये शॉर्ट लास्टिंग है और इसके इफेक्ट भी काफी कम समय तक रहता है, इसलिए ये फिजिशियंस के द्वारा ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है रादर देन साइकेट्रिस्ट। क्योंकि एंजाइटी के पेशेंट्स जो होते हैं ये फिजिशियंस के पास पहले पहुंचते हैं, तो उनको साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफर करने से पहले फिजिशियंस ट्राई करते हैं कि वो अपनी साइड से उनको ट्रीट कर सके। तो इसके लिए जनरली अल्प्राजोलाम टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। साइकेट्रिस्ट भी इसको जनरली पैनिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी अटैक्स इसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। जब भी किसी को कोई फियर होता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर उनको एंग्जाइटी अटैक्स आ जाते हैं तो उसके लिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड करके इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई स्पीच देना है, आपको इसके लिए एंग्जाइटी हो रही है, तो अगर आप कुछ समय पहले अल्प्राजोलाम लेते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है शॉर्ट होता है और पेशेंट की एंग्जाइटी इमीडिएटली कम हो जाती है, उसकी वजह से वो अच्छे से स्पीच दे सकता है। तो जिन लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जब भी ये टैबलेट लेते हैं इसका इमीडिएट इफेक्ट हो जाता है और मुझे काफी अच्छा आराम मिल जाता है। तो जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको कम से कम लेना है और जब भी आपको प्रॉब्लम होता है उस वक्त लेना है, तो पेशेंट ऐसे करने लगते हैं कि हर बार जो प्रॉब्लम होता है तो दवाई लेते हैं। उनको ऐसा लगता है साथ में जो दवाई जैसे SSRI प्रिस्क्राइब की गई ये कोई काम नहीं करती और सिर्फ अल्प्राजोलाम ही काम कर रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि पेशेंट इसको फ्रीक्वेंटली लेते हैं तो इसकी एफिकेसी कम हो जाती है और इसका डोजेस रिक्वायरमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे डोजेस रिक्वायरमेंट बढ़ता है पेशेंट को इफेक्ट तो नहीं आता, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे साइड इफेक्ट्स बढ़ते हैं उसमें डिपेंडेंस डेवलप हो जाता है। जब डिपेंडेंस डेवलप हो जाता है तो पेशेंट को रिलीफ कम मिलता है और जो साइड इफेक्ट्स है यानी मेमोरी डिस्टर्बेंसेस है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आना है या फिर जैसे मेमोरी डिस्टर्बेंसेस है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आना या यहाँ तक कि सीजर्स भी आ सकते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे से समझना है और ट्राई करना है कि जो साइकेट्रिस्ट या फिजिशियन आपको दवाई जिस डोजेस में लिख रहा है उसी डोजेस में आपने लेना है। अगर आपको लगता है कि अब ये दवाई काम नहीं कर रही तो प्लीज अपने साइकेट्रिस्ट को रिपोर्ट करें, जिसकी वजह से वो आपको दवाई चेंज करके दे सकते हैं या फिर इसका डोजेस का फॉर्मुलेशन अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको इस दवाई की आदत लग गई है तो अभी आपने क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह होती है कि जब भी किसी दवाई की आदत लगती है उसको डिपेंडेंस कहा जाता है, जो एक साइकेट्रिक बीमारी होती है। तो इसके लिए आपने डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, उनको अपने प्रॉब्लम बताना है। इसका डोजेस धीरे धीरे घटा के कम किया जा सकता है क्योंकि ये शॉर्ट लास्टिंग है, इसका डिपेंडेंस इतना ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू क्लोनाजेपम। तो क्लोनाजेपम की जो आदत लगती है उसको छुड़ाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अल्प्राजोलाम की जो आदत लगती है उसको छुड़ाना थोड़ा आसान चीज होती है। तो अगर आपका अल्प्राजोलाम का डोजेस बढ़ गया है तो प्लीज अपने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद।